वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सेट नंबर 20 जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 to 20 आपके स्टेट लेवल एग्जाम से लेकर SSC से लेकर और UPSC तक अपेयर हुए हैं, ठीक है। इवन यहाँ से क्वेश्चन आपके में NDA और CDS में भी अपेयर हुए हैं, तो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्सटाइल वीडियो है हमारे पास, हमारी कंपाइलेशन, ठीक है। तो अगर आप अभी तक इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर दीजिए। हमारी पुरानी वीडियोस देखिए, आपको हिमाचल प्रदेश का GK डिटेल में टॉपिक वाइज, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, मेडिवल हिस्ट्री और जो ग्रामर है बिल्कुल फर्स्ट क्लास लेवल पर मिलेगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और कोई लंबी वीडियो नहीं है, 10 से 12 मिनट की वीडियो है, इसको आप बिना स्किप करे हुए भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बीच में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी रहते हैं, तो उनको भी स्किप आप ना कीजिए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बुध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई। तो बुध ने एक यात्रा के दौरान कोई 4 दृश्य देखे थे, उन 4 दृश्यों ने उनके अंदर वैराग्य भाव की भावना को बलवती कर दिया, बढ़ा दिया। तो उनका जो सही क्रम है वो था, सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़ा देखा, उसके बाद एक रोगी देखा, उसके बाद एक लाश देखी, उसके बाद एक सन्यासी देखा, ठीक है। इसको आप शॉर्टकट में याद कर सकते हो आप, बुरा लाश, ओके। तो बुरा लाश में बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी बन गया। इस जो आपका क्रम है इसको याद रखिए, बिल्कुल सही जो क्रम है उसी को याद रखिए, ओके। तो इसके लिए शॉर्टकट है आपका बुरा लाश, ओके। आगे मूव करते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुद्ध चरित जिसे बोधों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन, बोधों का रामायण क्या है। तो बोधों की रामायण है बुद्ध चरित, और इसके रचनाकार थे अश्व घोष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है ऐसी में रचनाओं को पूछने की, ठीक है, क्योंकि इसमें बोधों का रामायण भी है, इसके आपसे राइटर भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। आगे मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, महाभिभाष शास्त्र के रचयिता हैं। तो महाभिभाष शास्त्र जो है उसके रचयिता हैं वसुमित्र, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ओके। आगे मूव करते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी बोध रचना में गीता के समान पर मानी जाती है। तो बोधों की रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, उसका नाम है धम्मपद। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आती है, बोधों की रामायण अलग है और बोधों की गीता अलग है। बोधों की रामायण है बुद्ध चरित, आई रिपीट, बोधों की रामायण है बुद्ध चरित और बोधों की गीता है या उसके समान पवित्र इनका ग्रंथ है, रचना है धम्मपद। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा धम्मपद, ओके। धम्मपद को मार्क कर लीजिए, ये बोधों की गीता के इक्विवेलेंट है, ओके। आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी जिनका जन्म होना है महात्मा बुद्ध का, उस रूप का नाम है मैत्रेय, ठीक है, मैत्रेय सही हो जाएगा। इनको भविष्य के बोधिसत्व या भावी बोधिसत्व भी कहा जाता है, अभी इनका जन्म होना है, तो उनका नाम है मैत्रेय, ओके। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, ठीक है, हीनयान और महायान, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है हीनयान महायान। कनिष्क के समय में बौद्ध संप्रदाय 2 स्वतंत्र संप्रदायों में विभाजित हुआ था, ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट। आगे चलते हैं, योगाचार या विज्ञानवाद के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे। तो योगाचार या विज्ञानवाद के जो प्रतिपादक थे वो थे मैत्रेयनाथ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद ही कर लीजिए। बुद्ध धर्म के बारे में गहन क्वेश्चंस हैं, गहन प्रश्न हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा डिजाइन होंगे आपके एग्जाम के लिए, ओके। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगेन ऐसे क्वेश्चनों को मैं बोलता हूँ 4:1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तैयार कर लो 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सूचीबन और सूची 2, सूचीबन में कुछ नाम है बज्रपाणी, पद्मापाणी, मंजूश्री और अमिताभ, और सूची 2 में है वो किसके तुल्य हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम यहाँ से 1 by 1। तो जो बज्रपाणी है वो इंद्र देवता के तुल्य हैं,
जो पद्मापाणि हैं वो अवलोकतेश्वर के तुल्य हैं, जो मंजूश्री हैं उनको बोलते हैं बुद्धि की प्रखर करने वाले में देवता, और जो अमिताभ हैं वो हैं स्वर्ग का देवता। ठीक है, तो इन चार का सिक्वेंस याद रख लीजिएगा और इसी तरह से इनको याद कर लीजिएगा, वन लाइनर में भी आ सकते हैं प्रश्न। आगे चलते हैं हम अपने 10वें प्रश्न की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मैं समझ के कीजिएगा और कोई टिप्स बना लीजिएगा। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? अगर हम भारत से टुवर्ड्स साउथ की कंट्रीज में हम चलते हैं तो वहाँ पर हीन यान ज़्यादा प्रबल है और ज़्यादा प्रचलित हुआ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, 11वां प्रश्न, भारत से नॉर्थ की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है महायान। तो फ्रेंड्स, अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे भारत से तो आपको मिलेगा हीनयान बौद्ध धर्म में ज़्यादा, और अगर आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो आपको मिलेगा महायान। ठीक है, इस प्रश्न को याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ, बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? तो फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म का मूलाधार बेसिक प्रिंसिपल क्या है? चार आर्य सत्य, आई रिपीट, चार आर्य सत्य, इस चीज को याद रख लीजिए, बौद्ध धर्म का मूलाधार नींव यही है, चार आर्य सत्य। आगे मूव करते हैं अपने 13th क्वेश्चन की तरफ, अगेन इंपॉर्टेंट, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं त्रिरत्न हैं क्या। बौद्ध धर्म में तीन रत्न माने गए हैं, बुद्ध धर्म और संघ। मध्य मार्ग त्रिरत्न की कैटेगरी में नहीं है, बट मध्य मार्ग का उपदेश महात्मा बुद्ध ने ही दिया था, इस बात को याद रखिएगा। मध्य मार्ग का जो उपदेश है उसको महात्मा बुद्ध ने डिलीवर किया, बट ये त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे मूव करते हैं अपने 14th क्वेश्चन की तरफ, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? इंपॉर्टेंट है। तो बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण मिला था बंगाल के पाल शासकों के वंश में, ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाएगा यहाँ पर आपका। ओके, आगे मूव करते हैं हम अपने 15th प्रश्न की तरफ। ओके, तो अब हम मूव करेंगे अपने 15th क्वेश्चन के तरफ, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4:1 क्वेश्चन है, दो सूचियाँ उनको सुमेलित करना है। ठीक है, तो सूची बने में आपको बौद्ध शिक्षा केंद्र दे रखे हैं, सेकंड में उनके संस्थापक दे रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो बारी बारी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र था उसके संस्थापक थे कुमारगुप्त या गुप्त वंश, ऑप्शन कैसे भी आ सकता है, उदंतपुरी गोपाल या पाल वंश, विक्रमशिला धर्मपाल या पाल वंश, बल्लवी भट्टारक या मैत्रक वंश। ठीक है, 4:1 क्वेश्चन है, इंडिविजुअल भी आ सकता है, तो क्वेश्चन को पूरा याद कर लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम 16th क्वेश्चन की तरफ, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये जैन मत का है अनेकांतवाद, अनेकांतवाद है उसकी व्याख्या जैन मत से ही हो सकती है। तो जब भी आपको ये टर्म आए एग्जाम में अनेकांतवाद, तो इसका सही आंसर जैन धर्म से रिलेटेड ही है, जैन। ओके, आगे मूव करते हैं महान धार्मिक घटना, एक महान धार्मिक आपकी घटना है महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? तो ये बाहुबली से संबंधित है। ठीक है, साउथ की एक ट्रेडिशन है। ठीक है, तो बाहुबली आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18वें प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है, बिल्कुल सही। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? ठीक है, तो वे अंतिम और 24वें में तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। ठीक है, तो महावीर को फाउंडर नहीं माना गया है बल्कि सुधारक माना गया है। ओके, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम 19वें प्रश्न की तरफ, वे अध्यात्म बोध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी पूछा जाता है, बुद्ध के जन्म की कहानियों को कथाओं को किसमें वर्णित किया गया और क्या कहा जाता है? ठीक है, तो वे अध्यात्म बोध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, यानी स्टोरीज ऑफ महात्मा बुद्ध बर्थ, जातक नाम से प्रसिद्ध है। जातक का मीनिंग है बुद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के जन्म से रिलेटेड कथाएं। ठीक है, तो उनका जो संग्रह है वो जातक कहलाता है, ऑप्शन डी। ओके,
आगे मूव करते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ, 20वां प्रश्न। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की जो रचना है एवं पालन पोषण है वो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ठीक है, सार्वभौमिक सत्य में यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इस चीज़ को भी आप समझ लीजिएगा। टॉप 20 क्वेश्चन थे, होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आपने कोई एग्जाम दिया होगा तो आपको 1 to 20 क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन ऐसा मिला होगा जो आपके किसी प्रीवियस एग्जाम में अपेयर हुआ होगा। ठीक है, तो ये सभी टॉप मोस्ट क्वेश्चन थे महात्मा बुद्ध से रिलेटेड। ठीक है, और धार्मिक आंदोलन जो हमारा एक सब टॉपिक है उसके अंडर है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, इनको एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर दीजिए, और मेरे को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।